पन्ना के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, 2-1 से बिरला क्लब सतना को दी मात। दूसरे की जमीन पर खोद दिए पिलर, शुरू किया निर्माण कार्य। मदरसे के बच्चों ने पाक को ललकारा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना ने मनाई महापुरुषों की जयंती। सब दुआ मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं होटल सानवी लैंडमार्क मोहन निवास पन्ना। पन्ना के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, 2-1 से बिरला क्लब सतना को दी मात। स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला मेमोरियल अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज तीसरे दिन 4 मैच का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। आज जिले की 2 टीमों के मैच होने से नजरबाग के लोगों में खासी भीड़ देखी गई। दोपहर 12 बजे पहला मुकाबला यूनियन फुटबॉल क्लब रतलाम और डीएफए टीकमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें रतलाम की टीम ने टीकमगढ़ को 2-0 से मात दी। इसके बाद दूसरा मुकाबला मेजबान शिवजीत सिंह भैया राजा फुटबॉल क्लब पन्ना और बिरला क्लब सतना के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पन्ना के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कांटे के मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं तीसरा मुकाबला एनएमडीसी मझुआ और एसीबी कोरबा के बीच खेला गया, जिसमें कोरबा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-0 से मैच को अपने नाम किया। इसके बाद अंतिम मैच बालाघाट एकेडमी और इंडिपेंडेंट क्लब नागौद के बीच खेला गया, जिसमें बालाघाट ने नागौद को 4-0 से मात दी। चलो जीत रहे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त रोमांचक मुकाबला फुटबॉल खेल का आज हमको देखने मिलेगा। आज के खेल की 2 टीमें जो वीडियो का आप जो देख रहे हैं वो श्री शिवजीत सिंह भैया राजा फैंस क्लब पन्ना और पीली जर्सी में आपको दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की टीम है और कॉलेज एंड की ओर लाल जर्सी में जो टीम है वो श्री शिवजीत सिंह भैया राजा फैंस क्लब। दूसरे की जमीन पर खोदे पिलर, शुरू किया निर्माण कार्य। शासकीय भूमि सहित निजी भूमि पर कब्जा कर रहे दबंग प्रशासन मौत। जिले के देवेंद्रनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नगर के बुमरी मोड़ पर पन्ना के धाम मोहल्ला निवासी हबीब खान ने निजी जमीन मौजूद है, जिस पर कुछ स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर लिया। रसूखदार दबंगों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि जेसीबी मशीन से शासकीय अराजी सहित निजी स्वामित्व की भूमि पर भी पिलर के गड्ढे खोद दिए। निर्माण का प्रारंभ जारी कर दिया है। जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही पन्ना निवासी हबीब खान जब मौके पर पहुंचे तो दसूखदारों रावण सिंह एवं ज्ञानन सिंह सहित उनके साथियों ने उसे धमकी देते हुए वापस भाग जाने को कहा। साथ ही अवैधता की गई अपनी कीमती जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा की शिकायत देकर पीड़ित ने देवेंद्रनगर थाना सहित तहसीलदार देवेंद्रनगर को लिखित शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के बाद भी पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखने तक की जहमत नहीं उठाई, जिससे साफ है कि इस अवैध कारोबार में सबकी भागीदारी है। मामले पर तहसीलदार से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कहकर कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। मदरसे के बच्चों ने पार्क को ललकारा। पुलवामा के शहीद की याद में निकाली गई रैली। मौलाना मुजद्दीन ने कहा, कश्मीर में 42 जवानों का नहीं इंसानियत का कत्ल हुआ। शहर के जामिया रबिया दारुल कुरान अंजुमन इस्लामिया मदरसे के बच्चों ने आज पाकिस्तान की नापाक करतूत का पुरजोर विरोध करते हुए शहर में रैली निकाली। नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियों के साथ पाकिस्तान को ललकारते हुए निकले। बच्चों के साथ मदरसे के शिक्षक ने भी इस रैली में शामिल होकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया और इस घटना की निंदा की। जुगल किशोर जी मंदिर चौराहे से शुरू हुई रैली कचहरी चौराहा होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां शहर काजी मौलाना मोइजुद्दीन ने कहा कि आतंकवादियों ने पुलवामा में जो किया वह पूरी इंसानियत का कत्ल है
उन्होंने बताया कि पाक कुरान में अल्लाह ने 6 पारे की 32वीं आयत सूरह मायदा में फरमाया कि जिसने भी एक इंसान को नहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, हश्र के दिन उसे पूरी इंसानियत का गुनहगार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीदों के साथ है, देश भर के मदरसों के उलमाओं और बच्चे देश के लिए जान देने को तैयार हैं। हदीस में मुल्क से मोहब्बत को ईमान की पहचान बताया गया है। देश हर ईमान वाला मुल्क से मोहब्बत करता है और मुल्क के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हमेशा से देश के लिए मदरसों ने आगे आकर कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पाक की नापाक हरकतें बंद नहीं हुई तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में बच्चों के साथ मुस्लिम समाज के लोग एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने कौमी एकता का संदेश देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कुरान पाक का संदेश है इस्लाम का। कुरान पाक की आयत है मन कतल नफ्स और फसाद फिलाद फअन्नमा कतल अन्नास जमीअ, झड़वे बारे में ये कुरान कह रहा है कि अगर किसी ने इंसान का पूरी धरती पर एक कभी नाहक खून बहा दिया गया, इतना बड़ा पाप है जैसे कि पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया गया। उस विरोध में हमारे 42 नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए सरमुतायन थे, वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के विरोध में ये हमने बच्चों ने, मदरसे वालों ने, उलमाओं ने और हमारे साथियों ने निकाला है कि पाकिस्तान को सबक देना चाहते हैं, साबित कदम रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मारेंगे या मरेंगे बढ़कर फतेह करेंगे। और हदीस पाक में द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की अलामत मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करना है। इसी संदेश के लिए हम सब साथ खड़े हैं और ये उन्हें उन्हें बाखबर कर देना चाहते हैं कि अपने होश में आ जाओ वरना हम ईद का जवाब पत्थर देंगे। आपका नाम? मैं गाजी मौलाना ब्लैक कांग्रेस कमेटी पन्ना ने मनाई महापुरुषों की जयंती। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दोपहर 2 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना के तत्वाधान में संत रविदास जी की 642वीं जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही वीर छत्रपति महाराज जी की जयंती मनाई गई। न्याय और नीति पर आधारित समान वर्ग की स्थापना के लिए तलवार उठाने वाले वीर योद्धा एवं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। सतुआ में पकड़ा पुलिस ने जुआ, 5 जुआरी सहित 80,000 रुपए बरामद। हरमनपुर चौकी अंतर्गत ग्राम सतुआ में जुआ खेलने की मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी बीएन बहादुर सिंह ने तत्काल एक टीम गठित कर ग्राम सतुआ की ओर रवाना की। जिन्होंने पाया कि ग्राम सतुआ के जगोहार में कुछ लोग खेत में जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें लेखराज अहिरवार निवासी गल्ला मंडी पन्ना, मुकेश सेन निवासी भागतपुर, सलीम खान निवासी रानीगंज पन्ना, रज्जाक खान निवासी भागतपुर कुरमियान, उमर नायन खान निवासी राजनगर जिला छतरपुर को पकड़कर इनके पास से 80,800 रुपए नकद एवं पास के 52 पत्ते पकड़े गए। परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 1 मार्च से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल 2019 तक आयोजित होने जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज खत्री ने कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल पन्ना को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान विद्युत प्रवाह निरंतर सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए रखना सुनिश्चित करें। पन्ना जिले के सहानगर स्थित नीलम ज्वेलर्स में लाखों की चोरी हो गई। थाना के सामने करीब 200 मीटर की दूरी पर इस दुकान की शटर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोर ले गए। सहानगर पुलिस सोती रह गई। पन्ना के नवागत पुलिस अधीक्षक करण सिंह कुशवाहा द्वारा अब इस चोरी को खुलासे के लिए डॉग स्पोर्ट, एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के अलावा सीसीटीवी एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। पन्ना पुलिस के लिए चुनौती बन गई इस चोरी के साथे चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस द्वारा अब आसपास की सीसीटीवी भी खंगा ले जा रहे हैं। इस दुकान से लाकर तोड़कर शोरूम में रखे करीब 3 किलो सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। गौरतलब है कि यह दुकान पुलिस थाना के ठीक सामने में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस की आंखों का काजल ही चुरा लिया। हद तो तब हो गई जब सहानगर थाना परिसर के आसपास ही पिछले 2 दिनों में 4 बड़ी चोरियां हो गई। यहां सातिर चोर इन चोरियों को अंजाम देकर पुलिस को ही चुनौती पेश करते दिख रहे हैं। सहानगर थाना से 1 किलोमीटर की दूर धर्मपुरा से एक बलेरो कार चोरी कर ली गई, तो वहीं थाना परिसर के बगल में ही एक मोची की मोटरसाइकिल और नकदी सातिर चोर ले उड़े।
तो अभी देखा जब ये सब पुलिस वाले आ चुके हैं, इसके बाद सब उन्हीं के साथ गए। इसके पहले तो कोई गए ही नहीं अंदर। क्या क्या गया है आपको? उसमें जो सामान रखा रहा है सब डिब्बों में, सब उसी लॉकर के अंदर था, और कुछ अंदर में था, कुछ ऐसे पाइल आयल वगैरह थी, कुछ सोना था, कुछ चांदी थी। है लगभग कितनी कीमत का होगा? लगभग कोई 4 लाख के लगभग अंदर। जो तो रहती नहीं है, वह कहा नहीं है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी बाहर? बाहर सुरक्षा थी, चैनल गेट था, चैनल गेट के बाद शटर थी। ये चोरी जो हुई है, इसमें दो आपराधिक जातियों के प्रसंग जा रहा है, एक नरगढ़िया जाति, एक पारधी जाति। इन जाति के द्वारा इस तरीके इस पैटर्न की इस तरीके से चोरियाँ की जाती है। इसके लिए अभी सरदी जो जिला है, जिसमें कुटला TI थे, श्रीनवा TI थे और TI से मेरी बात हुई है, जो हमारी ऑफिसल पार्टी आई हुई थी, कुछ फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मिले हुए हैं, तो उनको भी आसपास के जिलों में जो पूर्व में बदमाश पकड़े गए हैं उनसे मैच करवाया जा रहा है। देखिए, और चोरियाँ हम खुलासा करेंगे। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। कितने करीब चोरी हुई, क्या क्या गया उसमें? उसमें चांदी के कुछ जेवरात हैं बने बनाए, और 2-3 तोला सोने का भी बताया जा रहा है, तो लगभग 2-3 लाख के आसपास। जो प्रार्थी है नीलेश सोनी, उनके द्वारा बताया जा रहा है। बाकी उसके बाद में उनके पास में बिलिंग वगैरह भी है नहीं, बिल वगैरह वो अपना तलाश करके जो भी देंगे उसके बाद में फिर एक्चुअल कीमत उस समय मालूम चल पाएगी। सर, सागर में इतिहास रहा कि आगे चोरियों का खुलासा बहुत कम हो पाया, क्या पुलिस किस तरह से प्रयास करेगी, कब तक खुलासा करेगी?